मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कानपुर हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि राज्य में कायम अमन और चैन के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करते हुए सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर शहर में जुमे की नमाज के बाद दुकानें बंद कराने के प्रयास के दौरान दो समुदाय के लोगों द्वारा एक दूसरे पर पथराव और बम फेंके जाने के बाद वहां कुछ इलाकों में हिंसा हुई। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यह हिंसा कितनी ज्यादा भड़क उठी थी कि कई जगहों को खाली कराया गया, कई जगहों पर भारी पुलिस बल भी तैनात दिखे और तस्वीरें इसकी गवाह है कि भारी पुलिस बल तैनात रहे, जिसके बावजूद भी लगातार प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार हिंसक होते जा रहे थे। इस दौरान पथराव भी किया गया। प्रदर्शनकारियों को जो भी सामान अपने इर्द गिर्द मौजूद नजर आया, उन्होंने पुलिस पर वो सामान फेंका, पुलिस को भी घायल करने की कोशिश की। वही लगातार इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी खुद की पैनी नजर बनाए हुए हैं। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जो जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने की का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहाँ पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहां के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था। हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी ने अपनी नाराजगी जताई है, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर में जो बीते दिनों हिंसा हुई उस पर सीएम योगी लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, तो अभी तक उन्होंने अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिया है? तो इस मामले को कानपुर जो दंगाई का मामला है, इसको जो है सीधे डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने जो कानपुर जो डायल 112 के जो एसपी हैं अजयपाल शर्मा, उनको सीधा मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने लखनऊ से कानपुर भेजा है और उनकी पूरी टीम और उसके बाद 3 बटालियन पीएससी जो है यहाँ पे आ चुकी है। उपेंद्र, आखिर क्या वजह रही जो ये मामला इतना हिंसक बन गया बीते दिनों? अगर देखा जाए तो दंगाइयों ने जो मामला था, ये सुनियोजित प्लान करके बना पूरा किया गया था। जो दंगा हुआ ये प्लान करेगा और पास में एक मस्जिद बनी थी, उस मस्जिद पर भी उन्होंने गुम्बद चलाया, जो पथराव किया था, बहुत पेट्रोल पंप फेंके थे उस पर। जो है अभी जो देखा है तो अजयपाल शर्मा जो अभी है मौके पर आए थे यहाँ पे मस्जिद के पास, उन्होंने फर्स्ट हिदायत दी, फर्स्ट पीएससी की बटालियन बैठा दी यहाँ पे। उसके बाद जो है जो हाथा बना हुआ है, उस हाथे के बाद जो जिस हाथे से वो लोग निवासी दंगाई यहाँ रहते थे, उस हाथे में लगातार दबिश जारी है, जिसमें अभी 18 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें जो है करीब 3 दर्जन लोगों का तीन लोगों ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा लिखा है, जिसमें हत्या, गैर हत्या का और बलवा संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उपेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मुद्दे पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी तक अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिया है? उपेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से कानपुर में बीते दिनों जो हिंसा हुई थी उस पर लगातार अब कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों के खिलाफ लगातार जो उनकी धरपकड़ अभियान जारी है। खबर एटा से है, जहां केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर एटा सांसद राजवीर सिंह ने एटा पहुंचकर बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सांसद ने एक पुस्तक का विमोचन किया और भाजपा सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं सांसद ने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में विकास की गंगा बही है और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर तबके का विकास हुआ है।
देखिए 8 साल के जितने भी काम थे मैंने अभी आपको बताया भी है, मीडिया को भी बताया है, और ये पत्र है मैं आपको दे रहा हूँ। जितनी योजनाएँ हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आई हैं, इसके बिना आंकड़े भी इसके अंदर हैं, आवास का भी है, शौचालय का भी है, उज्ज्वला का भी है, मुद्रा का भी है, किसान सम्मान निधि का भी है, पेंशन का भी है, वन पेंशन का भी है, और आपका सामूहिक विवाह का भी है, और कोरोना की वैक्सीन का भी है। 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से भोजन दे रहे हैं निःशुल्क, किसी भी गरीब के घर में चूल्हा नहीं बुझने दिया हमारी। संबल के चंदौसी कस्बे में 2 मंजिला निजी अस्पताल की इमारत आग की चपेट में आ गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में अस्पताल में भर्ती मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि अस्पताल के बराबर ही लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बाद पूरा अस्पताल आग की चपेट में आ गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो अस्पताल की 2 मंजिला इमारत है वो आग की चपेट में आ गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस पूरे मामले में संतोषजनक बात यह रही कि पूरे मामले में किसी भी मरीज के हताहत होने की कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आई है और सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। आज चंदौसी में चौधरी हॉस्पिटल रोडवेज बस अड्डे के पास में है चंदौसी में, यहाँ पर अचानक सारा सर्किट से आग लग गई, जिसमें शुरुआत में जब सर्किट से थोड़ा सा चिंगारी वगैरह हुई तो वहाँ पेशेंट थे उनको समय रहते हॉस्पिटल वालों ने और उसके साथ ही पुलिस और हम लोग पहुँच गए थे, इसके साथ ही फायर ब्रिगेड और नगर पालिका भी पहुँच गई थी, समय रहते रेस्क्यू करके उन सबको निकलवा। गाजियाबाद में मुठभेड़ों का दौर लगातार जारी है। गाजियाबाद में बीते दिनों भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। अलग अलग थाना क्षेत्रों इंदिरापुरम थाना क्षेत्र लोनी और लोनी बॉर्डर इलाके में ये मुठभेड़ हुई। 3 मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लगी है। 4 बदमाशों को पुलिस ने इन 3 मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाशों का अस्पताल इलाज में किया जा रहा है और गिरफ्तार शातिर बदमाश फिरोज पर कई मुकदमे पहले से दर्ज है। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। 2 संदिग्ध उधर से गुजरे, जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो रुके नहीं बल्कि हिंडन पुल के पैरेलल कच्चे रास्ते पर भागे। पुलिस टीम द्वारा जब इनको घेरा गया तो संदिग्धों द्वारा उन पे जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी को भी गोली लगी, जिनको पकड़ करके घायल को भेजा गया, हॉस्पिटल भेज दिया गया। पूछताछ में उसका नाम लक्की उर्फ रिजवान उसने बताया, उस पर करीब 5-6 मुकदमे हैं और ये गैंगस्टर में इंदिरापुरम थाने से ही वांटेड चल रहा था और दूसरा अपराधी भी जो उसके साथ था उस पर 16-17 मुकदमे हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने तेज़ गति से स्कूटी आगे बढ़ा दी। पुलिस टीम द्वारा जब पीछा किया गया उनकी स्कूटी फिसल करके गिर गई, इसके बाद वो दोनों जंगल की तरफ भागे और पुलिस पार्टी पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करते हुए और जवाबी फायरिंग की गई आत्मरक्षार्थ, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। पकड़ने पर उसने अपना नाम दीपक पुत्र कालीचरण बताया, अंतर्राज्यीय लुटेरा है, उसके ऊपर दिल्ली NCR सहित आसपास के जनपदों में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में मुठभेड़ देखने को मिली, तो किन किन इलाकों से मुठभेड़ की खबरें सामने आई हैं? देखिए मुस्कान, बता दूं कि रात के समय में लगभग गाजियाबाद में लगभग 3 मुठभेड़ ऐसी हुई हैं जो बड़े बड़े अपराधी जो थे, वांछित अपराधी थे, उनके साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस की। आपको बता दूं पुलिस बैरिकेडिंग के दौरान कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा देकर वहां से जो बदमाश थे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब बैरिकेडिंग करते समय पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जान बचाने के चक्कर में पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दी। अगर बात की जाए लोनी क्षेत्र की तो लोनी में 2 ऐसी बदमाशों से मुठभेड़ हुई है जो की
गाजियाबाद में काफी वांछित चल रहे थे, कई दिल्ली में भी ऐसे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है बदमाशों के ऊपर, जिनके जिनके हिसाब से पुलिस के हिसाब से माना जाए तो ये अपराधी काफी काफिर किस्म के अपराधी थे, जिस तरह से कई वारदातों को गाजियाबाद समेत पूरे NCR में इन्होंने अंजाम दिया है। अगर बात करी जाए इंदिरापुरम की, तो इंदिरापुरम में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच जो मुठभेड़ हुई, इसमें दो अपराधी ऐसे थे जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है, जिससे एक अपराधी मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने घेराबंदी कर उस अपराधी को भी पकड़ लिया। जी यानी प्रवीण, ये कहा जाए कि पुलिस ने जिन तीन जगहों पर ये कार्रवाई की है वहां से सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए क्या होता है कि बदमाश कभी भी अपना अपराध करने के बाद वो रात के समय इसलिए निकलता है कि रात के समय में कि लोगों के जो स्नैकिंग हो गई या चोरी हो गई, इस तरह की वारदातों को अंजाम दे सके। तो कहीं ना कहीं बदमाशों में जो आप डर है, जब से एम मुनिराज कप्तान यहाँ गाजियाबाद के अस्थायी रूप से बन गए हैं, तब से बदमाशों और पुलिस में लगातार मुठभेड़ की खबरें लगातार आ रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अब मुस्तैद हो गई है। बदमाश जो है गाजियाबाद NCR समेत चाहे कहीं भी रहे, लेकिन पुलिस के अब गोली से बच नहीं सकते। जी यानी कि पुलिस द्वारा इस कार्रवाई से ये कहा जाए कि अब जो भी घटनाएं लूटपाट चोरी डकैती की घटनाएं सामने आ रही थी उस पर अंकुश लग सकता है। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए बदमाश क्या होते हैं कि जितना लगातार बदमाश अपनी वारदात को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस भी उनसे चार कदम आगे रहती है। अगर बात की जाए बदमाशों की वांछित जो गैंगस्टर एक्ट में चल रहे हैं, खासतौर पुलिस उन पर खासतौर पर नजर रखे हुए, अगर वो जेल से छूटते हैं तो खासतौर पर उन पर पहली नजर बनाए रखते हैं कि आखिर ये जो बदमाश है कि आखिर अगला किसको टारगेट करते हैं, अगली वारदात क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस इस समय कप्तान को लेकर साथ में पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं बदमाशों में अब डर का माहौल भी पैदा होता दिख रहा है। जी आगे भी प्रवीण हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली और लगातार गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का दौर सामने जारी है। प्रदेश में योगी सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तो वहीं लगातार अधिकारियों की लापरवाही योगी सरकार के आदेशों पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला नोएडा सेक्टर 55 के बिजली घर से सामने आया है, जहां SDO अनुराग सक्सेना, जूनियर इंजीनियर रवि रंजन और टेक्नीशियन ग्रेड गौरव शर्मा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड के कर्मचारी गौरव शर्मा उपभोक्ता से 2 kW का डोमेस्टिक मीटर लगाने के नाम पर 6,000 रुपए की रिश्वत की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सभी बिजली विभाग के अधिकारी SDO अनुराग सक्सेना और जूनियर इंजीनियर रवि रंजन के सामने हो रहा है। तो तस्वीरों में आप से देख सकते हैं किस तरह बिजली घर में हो रहे भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलेआम अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवीण, ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस वीडियो के सामने आने के बाद? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह योगी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का जो अधिकारी है वही पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वही ताजा खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां घूस लेते कैमरे में पूरा बिजली विभाग के अधिकारी, बिजली विभाग के कर्मचारी और पूरा बिजली घर कैद हो गया है। डोमेस्टिक मीटर लगाने के नाम पर ये पैसे वसूले जा रहे हैं और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें इसकी गवाह है कि किस तरह से एक जो पीड़ित है वो अपने ही काम करवाने के लिए अधिकारियों को पैसा देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक बार हम फिर अपने संवाददाता प्रवीण से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, लगातार ये वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इस मामले पर की गई है? ये पूरा मामला गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर एक बिजली विभाग के SDO जो है कहीं ना कहीं घूस लेते हुए सामने दिख रहे हैं। बात करी जाए अगर आम लोगों की, तो आम लोग किसी तरह से अपने पैसा जुटाकर कहीं ना कहीं अपने मीटर लगवाते हैं खासतौर पे, और बिजली विभाग से ये उम्मीद भी करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको सस्ती और कम पैसे में उनका मीटर लग जाए। तो कहीं ना कहीं SDO का साफ तौर पे एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये वीडियो घूस लेते हुए दिख रहा है, क्योंकि उसमें जो SDO है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मैं इतने पैसों में मीटर नहीं लगता है, और इस तरह से जो लोड होता है, जिस तरह से अगर 1-2 kW का वाट बढ़ाते हैं तो उसमें भी कम पैसों में मीटर लग जाता है, उसका लोड भी बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं SDO इसमें घूस लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे। जी प्रवीण, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो अभी तक
कुछ कार्रवाई की गई है, इस वीडियो का संज्ञान लिया गया या नहीं? देखिए मुस्कान, बता दूं कि जब ये वीडियो वायरल हुई है तो हम मीडिया कर्मियों को जब ये वीडियो पहुंची है तो हम लोगों ने इस पर पूरा ध्यान दिया और हमने बात भी की जो यहाँ के जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनसे ही बात करी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जिस तरह से एसडीओ उसमें घूस लेता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो जो उनके आला अधिकारी हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अब ये जांच की जा रही है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। जी, लेकिन प्रवीण, अगर खबरों की मानी जाए तो जो एसडीओ है वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वीडियो का ओरिजिनल हमको भेजिए। देखिए, जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाई है, जिस अपने फोन से बनाई है इस माध्यम से, तो साफ तौर पे कि इसमें कोई एडिटिंग नहीं दिख रही है। कुछ लोग होते हैं कि एडिटिंग किया करते हैं, वीडियो को अलग तरह से तोड़ मरोड़ के दिखाया करते हैं, लेकिन ये वीडियो एक पत्रकार द्वारा बनाई गई है। पत्रकार को, पत्रकार के संज्ञान में ये पूरा मामला आया था। एक पीड़ित ने पत्रकार को बताया तो पत्रकार वहां पहुंच के और पत्रकार ने अपने फोन से ही ये पूरा जितना भी वहां पर जो घटनाक्रम था, जिस तरह से वो घूस लेते हुए सामने दिख रहा था, तो वो अपने फोन से ही उसने बनाया था। इसमें कोई भी किसी तरह की कोई शंका की बात भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो बड़े आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अब पूरे मामले पे लिपापोती करने में जुटे हुए हैं कि पूरा मामला हमारे, क्योंकि इनके बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाया जाए। लेकिन प्रवीण, अब ये वीडियो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो आखिर क्या वजह है जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी, वो इस मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं? क्या होता है कि जो आला अधिकारी कहीं ना कहीं अपने जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं उनको बचाने में कहीं ना कहीं पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन मीडिया एक ऐसा माध्यम है, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पर कोई भी सच्चाई, कोई भी झूठ जो सामने आता है तो उसको कोई दबा नहीं पाता है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में कह सकते हैं या कुछ थोड़ी देर में कहीं ना कहीं इस एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, और कार्रवाई बड़े अच्छे स्तर पे होगी, क्योंकि इसमें इस वीडियो के माध्यम से ट्वीट भी किया गया है। और बात की जाए ए के शर्मा जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो विद्युत विभाग मंत्री हैं, उनको भी ट्वीट किया गया, टैग किया गया, तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से प्रतिक्रिया आने का संभावना जताई जा रही है। जी, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने गाजियाबाद से खबर देखी किस तरह से योगी सरकार के जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नीति है उसका पलीता अधिकारियों द्वारा लगाया जा रहा है। खबर मैनपुरी से है जहां आगरा रेंज जनपदीय प्रतियोगिता का समापन समारोह पुलिस लाइन के खेल मैदान में आयोजित हुआ, जबकि इस प्रतियोगिता में 8 जनपदों के 176 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वह इस दौरान आगरा और मैनपुरी पुरुष हॉकी के फाइनल मैच में आगरा ने 4-2 से जीत दर्ज की। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रही IG नचिकेता झा ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वही टीमों की बात करें तो मैनपुरी, आगरा, मथुरा, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद समेत कुल 8 जनपदों की टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, और ये प्रतियोगिता 1 जून से प्रारंभ हुई थी। टोटल 8 टीम ने प्रतिभाग की और 176 खिलाड़ी। इसका सकुशल आयोजन के लिए मैं पूरा मैनपुरी पुलिस और खासकर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी संबल में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 फेज के तहत ग्राम पंचायतें मॉडल बनेंगी। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधक के तहत सभी कार्यों को लेकर बेहतर प्लानिंग की गई है। ग्राम प्रधानों ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुतिकरण को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत प्लास्टिक संग्रह, डोर टू डोर दैनिक कूड़े कचरे का कलेक्शन, गोबर गैस का निर्माण सहित सामुदायिक जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे, और इन सभी योजनाओं और निर्माण कार्यों को ग्राम पंचायतों में प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। खबर संबल से सामने आ रही है जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब और काम किया जाएगा। खबर संबल से सामने आ रही थी जहां पर जिले की 54 ग्राम पंचायतों को अब मॉडल बनाया जाएगा, यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम किया जाएगा। इस दौरान जनपद में साफ सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संबल से हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक अली, अगर बात करी जाए तो अब संबल भी मॉडल के रूप में पेश होंगी, तो क्या कुछ काम इसके तहत किया जाएगा? आपको बता दूं, जनपद संबल के समाचार प्रकाश खंड में इसकी मीटिंग हुई थी। तीन ब्लॉकों के कर्मचारी वहाँ मौजूद है, ग्राम प्रधान वहाँ पर मौजूद है, सफाई कर्मी मौजूद है, और टॉप मॉडल की बात की गई है उसमें मीटिंग में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश हैं और साफ सुथराई कराई जाएगी। और दूसरी तरफ जो डेयर है और
जो सीमित साफ सुथराई कराई जाएगी और जो कम है ढेर उनको उनके लिए पूरी करी जाएगी, जिसके जिसकी जिसके जमीनों पर अवैध कब्जे हैं अवैध कब्जे भी हटाए जाएंगे, जो ग्राम सभा की जमीने हैं और वैसी भूमि जमीने हैं उनकी उनके ग्राम उनके कब्जे हटाए जाएंगे। तो लगातार यानी कहा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने के लिए अब अधिकारी भी इस कवायद में जुट गए हैं। जो अधिकारियों की लापरवाही आएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ग्राम प्रधानों को सख्त आदेश कर दिए गए हैं और साफ सुथराई ग्राम पंचायतों में रहे। धन्यवाद मुबारक अली इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम किया जाएगा, इससे सभी जनपद की ग्राम पंचायत अब एक मॉडल के रूप में पेश की जाएंगी। हरदोई में स्वच्छ भारत मिशन का पलीता लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मी भी मनमानी से बाज नहीं आते। इलाके में कई जगहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वही ताजा मामला वाकिया विकास खंड कोथावा के ग्राम पंचायत कुर्सी और निवादा का है, जहां पर ग्राम पंचायत में नियुक्त सफाई कर्मी विजय कुमार महीनों से ग्रामीणों को दिखाई तक नहीं दिए और इनका बचाव ग्राम प्रधान खुद करते हुए नजर आए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सफाई कर्मी के पिता की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हरदोई में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और वहीं शिकायत करने पर ग्राम प्रधान खुद सफाई कर्मी को बचाते हुए नजर आते हैं और ये दलीलें भी देते हैं कि सफाई कर्मी के पिता की तबीयत खराब है, इसलिए वो काम पर नहीं आ पा रहा है। बल्कि महीनों से सफाई कर्मी गायब नजर आ रहा है, जिसके बाद लगातार गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो ये कहा जाए कि लापरवाही से, अधिकारियों की लापरवाही से जो पीएम मोदी का सपना है स्वच्छ भारत मिशन है, उसका पलीता खुलेआम लगाया जा रहा है। एक ओर जहां सरकार पानी, नालों, तालाबों को संरक्षित करने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी महेंद्र प्रताप श्रीवास्तव द्वारा सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए नलों को बराबर हटाया जा रहा है। उनके अनुसार सड़क किनारे पानी पीने हेतु लोगों के निजी खर्चे पर लगाए गए नलों को नहीं हटाया तो 1000 जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं नगर पंचायत बेनीगंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी महेंद्र प्रताप श्रीवास्तव जमीन पर उतरकर पंचायत कर्मियों की मदद से दुकानदारों, अतिक्रमण करने वालों को नोटिस थमा रहे हैं, जिसका असर ये देखने को मिल रहा है कि लोग खुद अपनी अपनी दुकानों के आगे ग्राहकों की सहूलियत के लिए सरकारी जमीन पर बनाए गए चबूतरे पत्थरों को खुद तोड़ रहे हैं ताकि उन्हें जुर्माने का सामना ना करना पड़े। औरैया थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त पर जा रहे उपनिरीक्षक मुकेश कुमार और सिपाही नीरज कुमार को नगरिया राजा राम में झगड़ा कर रहे ग्रामीण वासियों ने अपना निशाना बना लिया, जिसमें सिपाही नीरज और सिपाही विकास कुमार घायल हो गए। वहीं इस मामले पर थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने बताया कि पुलिस ग्राम सुरेंदा की तरफ जा रहे थे, तभी दो पक्षों के बीच हो रही झड़प को देखकर एक महिला जीप के सामने आ गई और मदद की गुहार लगाने लगी। इस दौरान दबंगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। में सरकारी आदेशों की अवहेलना जोरों शोरों से की जा रही है। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद भी ओवरलोडिंग गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं। ओवरलोडिंग ट्रक भी अवैध खनन के सामान को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। अवैध खनन की गाड़ियों को लेकर अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दो टाइम चेकिंग अभियान चलाया जाता है, लेकिन स्टाफ के कम होने की वजह से बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ इस वजह से अवैध कारोबार लगातार फलते फूलते हुए जनपद में नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा दो प्रकार के वाहनों पर विशेष तौर पे कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक तो माल वाहनों में ओवरलोड का परिवहन और दूसरा यात्री वाहनों का अनधिकृत संचालन। दोनों ही मामलों में विभाग के द्वारा जो है नियमित रूप से चेकिंग करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोड वाहनों का जहाँ तक सवाल है, पिछले वित्तीय वर्ष में 3,03,00,000 रुपए जो जुर्माना है वो आरोपित करके वसूला गया है और 19 तारीख से चल रहे अभियान के अंतर्गत भी 23 वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन निरुद्ध किए गए हैं, 4,00,000 जुर्माना। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।